सीआरपीएम रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहां पर दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको जहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है 2056 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो आपको वैकेंसी दी गई है, हेड कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। इस भर्ती के सबसे पहले रनिंग टेस्ट होगा और ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए करने होंगे। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट पिन करा दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उनका नेम रहेगा वो सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है 2056 वैकेंसी दी गई टोटल, जो पोस्ट नेम होगा टोटल, आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी दी गई है। यानी कि आपको जो वैकेंसी मिलेगी वो ट्रेडमैन, जीडी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी कोने से आप आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत से आप कहीं से भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो आपकी हाइट रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इनर जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होगा केवल मेल कैंडिडेट के लिए, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। 80+5 सेंटीमीटर का फ्लॉ भी होना अनिवार्य है। जो आपको दौड़ लगानी होगी मेल कैंडिडेट के लिए, 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल के लिए 800 मीटर के लिए आपको 4 मिनट का समय आपको भी यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन की सब डिटेल, डोमिसाइल कार्ड, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। इस भर्ती की जो एप्लीकेशन फीस होगा, यूआर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी, ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। और आपको ये फीस पेमेंट करनी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा, या फिर आप इनको पे भी कर पाएंगे। आपको जहाँ पर एज लिमिट रहेगा 18 से 32, ओबीसी वालों के लिए 18 से 35, एसएससी कैंडिडेट के लिए 18 से 37। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 तक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपकी एज नहीं तो 18 से कम होना है, 32 से ज़्यादा। और जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसएससी वालों को 5 रही दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 रही छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती की फिजिकल डिटेल को पहले बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। इस भर्ती के जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी दौड़ हाइट ना भी जाएगी, रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। वो आपने किसी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। इस भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा।
लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अभी तक यहाँ पर इस भर्ती का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, शॉर्ट नोटिस यहाँ पर न्यूज कटिंग जारी हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ से लेनी होगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस भी डाउनलोड कर पाएंगे, और जैसे इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे तो उसके लिए की वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे। तब तक आप यहाँ पर इस भर्ती कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हैं। इस भर्ती के इंपोर्टेंट डेट के बारे में भी आपको हमारी वेबसाइट पर जानकारी दी गई है, अप्रोक्स डेट के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है और कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।